आज हम कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली अध्याय में जो है हमने सांख्यिकी जो था सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व, सीमाएं आदि के बारे में हमने पढ़े थे। तो हम इसमें हम सांख्यिकी का संग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि हम संग्रह किस प्रकार से करते हैं। अब जैसे कि आपको ये तो दो संख्या मैंने लिख कर रखी हूँ, इसमें जो है भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ, भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ उसका मिलियन टन आंकड़ों में है। तो यहाँ पर जब उत्पादन हुआ तो हमने आंकड़े इकट्ठे 1970-71 में ये 108 मिलियन टन उत्पादन हुआ था, और 78 में और 79 में 132 मिलियन टन। इस तरह से ये मतलब कंटिन्यू जो है वह उत्पादन में वृद्धि होता चला जा रहा है। यह इसलिए हमें मालूम है क्योंकि ये आंकड़ों में ये संख्याएं जो हैं क्या हैं, संग्रहित हैं, और हम इससे तुलना कर सकते हैं कि हमारा देश जो है वह विकास करता जा रहा है या उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है। इस तरह से ये आंकड़ों के माध्यम से ही जो है हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर आंकड़ों के जो स्रोत हैं, मतलब आंकड़े हम किस तरह से एकत्रित करते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े हैं और द्वितीयक आंकड़े हैं। प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो हम स्वयं जाकर उन जानकारियों को एकत्रित करते हैं, वह प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे हैं जो हम अप्रत्यक्ष रूप में या फिर हम किसी और के माध्यम से उस आंकड़े को एकत्रित करते हैं, वे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब संग्रहित करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? एक तो हम प्राथमिक आंकड़े जो स्वयं जाकर एकत्रित कर सकते हैं, द्वितीयक आंकड़े जो किसी के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम डाक द्वारा, जैसे ये दिया है कि संग्रहित कैसे करते हैं, तो डाक द्वारा है, फोन के माध्यम से है, फोन के माध्यम से, और साथ ही साथ प्रश्नावली के द्वारा भी हम आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। फिर देखेंगे आंकड़ों के समंकों के जो प्रकार, जैसे हमने अभी आपको बताया कि प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। तो प्राथमिक वे समंक है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता है। खोज के लक्ष्य के लिए आकार, स्वरूप, आधार और आंकड़े जो होते हैं वह एकत्रित करता है, और जिससे विश्लेषण और निर्वचन के उद्देश्य से सांख्यिकी रीतियों का वह प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हॉरेक्स सेक्रेट्स के अनुसार भी कहा गया है, प्राथमिक समंकों से तात्पर्य वह है कि मौलिक एवं उसके समूहीकरण बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं हुआ है, या घटनाओं का लेखन या गणना उसी तरह से किया जाता है जैसा कि उन्होंने पाया है। मतलब मुख्य रूप से हम ये हुआ कि हम डायरेक्ट उनसे मिलकर एकत्रित किए हैं। फिर द्वितीयक समंक, द्वितीयक समंक वे समंक हैं जिन्हें पूर्व में ही किन्हीं व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किया गया, जैसे कि हमने बताया अप्रत्यक्ष रूप से किसी के द्वारा एकत्रित किया गया, दूसरों से हमने जानकारी एकत्रित करते हैं। फिर सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग उन पर किया जा चुका है, अनुसंधानकर्ता जो होता है इन आंकड़ों का प्रयोग अनुसंधान में करता है, और साथ ही साथ द्वितीयक आंकड़े होते हैं। जैसे ग्रामीण ने ऋणग्रस्तता का अध्ययन करते हुए ग्रामीणों ने कितना ऋण लिया है, और प्रकाशित जो रिजर्व बैंक के माध्यम से जो प्रकाशित किए जाते आंकड़े उनका भी हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम या तो बैंक से सारी जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं, या फिर जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता से हैं उनसे हम मिलकर जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो M.M. व्लेयर के अनुसार द्वितीयक समंक वे होते हैं जो पहले से ही अस्तित्व में रहते हैं, मतलब ये आंकड़े पहले से ही एकत्रित रहते हैं और वर्तमान में प्रश्नों के उत्तर के अतिरिक्त, मतलब हम वर्तमान में उनसे तुलना करके हम दूसरे प्रश्नों को उत्तर एकत्रित कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। इससे तुम्हें और आसानी से समझ में जाएगा कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या कहलाते हैं या समंक क्या कहलाते हैं। तो प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, यहाँ पर पहले से एकत्रित किए हुए होते हैं। फिर यहाँ ये समंक जो है मौलिक सांख्यिकी रीतियों के अनुसार कच्चे माल की तरह होते हैं, ये तुरंत एकत्रित किए जाते हैं। ये निर्मित माल की तरह होते हैं क्योंकि ये पहले से आंकड़े हमारे पास होते हैं।
फिर प्राथमिक समर्थ एकत्र करने के लिए धन, समय और श्रम की अधिक आवश्यकता है। यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं हमें कहाँ मिल जाती हैं, पत्रिकाओं में, सरकारी और गैर सरकारी प्रकाशनों में ये उपलब्ध रहती हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे प्राथमिक समंक के अंदर का जो संकलनकर्ता अपने उद्देश्य के अनुकूल समंकों का संकलन करता है, मतलब उसे कैसे आंकड़े चाहिए हैं। और यहाँ पर द्वितीयक समंक में दूसरे के उद्देश्य के लिए एकत्रित होने के कारण वर्तमान उद्देश्य हमेशा अनुकूल नहीं होते क्योंकि हमें उसे तुलना करना पड़ता है। फिर प्राथमिक आंकड़े जो हैं पूर्व निर्धारित उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, और ये जो एकत्रीकरण जो है पहले से ही एक उद्देश्य के लिए पहले से ही किया हुआ होता है। एकत्र करने की रीतियाँ, हम प्राथमिक समंकों को किस तरह से एकत्रित कर सकते हैं, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुसंधान। प्रत्यक्ष अनुसंधान जिस तरह से हमने आपको बताया कि हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर व्यक्तियों से स्वयं उनसे मिलते हैं, स्वयं संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर अनुसूची या प्रश्नावली के द्वारा हम समंकों का संकलन करते हैं। और साथ ही साथ अनुसंधान करता जो व्यवहार कुशल होना चाहिए, साथ ही साथ भाषा रीति रिवाज अनुसंधान खोज में इससे काफ़ी सहायता मिलती है। यदि कहीं हम जाकर यदि बात करना चाह रहे हैं, हम उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें परेशानी होती है। इसलिए कहा गया कि क्षेत्र की भाषा और रीति रिवाज से भी परिचित होना आवश्यक है। यदि किसी विद्यालय के अध्ययन करने वाले छात्रों की मासिक खर्च के संबंध में भी हम यदि समंक एकत्र करना चाहते हैं तो भी हमें एक विद्यालय में जाकर वहाँ पर संपर्क करके ही हमको एकत्रित करना होगा। इस तरह से हम प्रश्नों की संख्या कम करके, सरल करके और स्पष्ट करके भी हम ये सारे आंकड़ों को हम एकत्रित कर सकते हैं, और इन आंकड़ों को कई बार हमें गोपनीय भी रखना होता है। फिर है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब अप्रत्यक्ष रूप से हम मौखिक अनुसंधान कैसे कर सकते, अब जिसमें है कि समस्या से संबंधित व्यक्ति आप प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं ली जा सकती, बल्कि समस्या से संबंधित व्यक्तियों के अप्रत्यक्ष रूप से हमें जानकारी एकत्रित करनी है। तो हमें किसी गांव में जाना होगा या उस स्थान में जाना होगा, वहां से उनसे संबंधित लोगों से मिलना होगा, जैसे सहकारी समितियाँ हैं, महाजन हैं, साहूकार हैं, ग्राम के नेता हैं, इन सब से मिलकर हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बता चुकी। फिर स्थानीय संवाददाताओं द्वारा आंकड़े एकत्रित करना। जो संवाददाता होते हैं वे भी कई आंकड़े एकत्रित करते हैं, जैसे कई बार आप लोग देखते हो एग्जिट पोल जो बताते हैं वे लोग जानकारी एकत्रित करके बताते हैं, कई बार एग्जिट पोल फेल भी हो जाता है, कई बार वो सही भी आ जाता है। फिर संवाददाताओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वे संबंधित व्यक्तियों की जाड़ पड़ताल नहीं करते हैं, बल्कि साथ ही साथ वे संवाददाताओं की जो नियुक्ति कर दी जाती है वे आवश्यक रिपोर्ट भेजते हैं, और साथ ही साथ समानता पत्र पत्रिकाओं और आकाशवाणी द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है, और कार्यकुशलता पर इस प्रकार की खोज सफलता से वह निर्भर रहती है। फिर है सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाना। जो सूचक हैं, जो प्रश्नावली है, जो हम प्रश्नावली बनाते हैं, वह भी हम दूसरों के द्वारा उनमें आंकड़े भरवा कर प्रश्नावली तैयार करके उनसे प्रश्न पूछकर उनके पास भेजकर, जिस तरह से मैंने अभी बताया डाक द्वारा, प्रश्नावली जो है फोन द्वारा, हम इनसे एकत्रित कर सकते हैं। और इसमें खोजकर्ता जो है प्रार्थना भी करता है और उन्हें यह आश्वासन देता है कि जो हम आंकड़े एकत्रित करने हैं वह हम तक ही रहेगा, वह गुप्त रखी जाएगी। फिर प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाना। जो प्रगणक होते हैं वह उसके अंतर्गत जो प्रश्नावली तैयार करते हैं, प्रगणक संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर उत्तर भरते हैं, मतलब हम स्वयं जाकर भी उनसे वे आंकड़े एकत्रित करते हैं। कई बार जनगणना होती है तो व्यक्ति जो क्या करता है, अनुसूचियां जो भरवाता है वह इसी पर आधारित है, जो कि राष्ट्रीय निर्देशन सर्वेक्षण संघ इस रीति को सफलतापूर्वक इस बात पर निर्भर करती है कि प्रगणक की योग्यता क्या है। फिर किसी अन्य अनुसंधान या संकलित विश्लेषित प्रकाशित सांख्यिकी द्वारा सामग्री एकत्र किया जाता है। द्वितीयक समंक जो प्रकाशित अप्रकाशित दोनों ही होते हैं। फिर है प्रकाशित स्रोत, जो कि हमें प्रकाशित, कई बार हम पत्रिकाएं पढ़ते हैं, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, तो ये सारी जानकारियां जो है हमें पत्रिकाओं के माध्यम से या किताबों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। जब बुक भी हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे आंकड़े जो मिलते हैं वह प्रकाशित आंकड़े ही कहलाते हैं। सबसे पहले सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों से संबंधित समंक जो हैं या आंकड़े जो हैं प्रस्तुत किए जाते हैं।
समितियों व आयोगों के प्रकाशन, जो समितियां होती हैं, जो कुछ आयोग होते हैं, वे जब जांच करते हैं तो उसके विषय में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रकाशित की जाती हैं। जो जांच समितियां होती हैं, आयोग गठन किए जाते हैं, वे उसका अनुसंधान करते हैं, देखते हैं, जांच करते हैं, उसके बाद ये प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे वित्त आयोग है, आय वितरण है, जांच समिति है, कृषि मूल्य आयोग है, ये सारी चीज़ें जो आप लोग देखते हुए न्यूज़ में भी पढ़ते हो कि कहीं कहीं पर कृषि मूल्य जो है उसकी भी जानकारी के लिए अधिकारी वहाँ जाते हैं और उसे इकट्ठित करते हैं। फिर अर्ध सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी संस्थाएं जो होती हैं वे भी कुछ चीज़ें जो होती प्रकाशित करती है, जैसे नगर महापालिका है, नगर निगम, जिला परिषद, पंचायतें आदि भी होती है, समय समय पर अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य जनमरण संबंधी रिपोर्ट भी वह प्रकाशित करती है। कि व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन, इसमें भी जैसे टाटा सन्स है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ है, ये सब भी अपने अपने जो संस्थाएं होती हैं उनसे संबंधित आंकड़े जो हैं वह प्रकाशित करती है। फिर अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, जो व्यक्ति जो अनुसंधान करता है उससे संबंधित जो खोज करता है वह भी अपने प्रकाशन करते हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय सांख्यिकी संस्थान, व्यापारिक आर्थिक शोध, राष्ट्रीय संस्थान आदि होते हैं। फिर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी हम बहुत सारे आंकड़े एकत्रित हो जाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जो होते हैं उसके माध्यम से भी हमें मिलते हैं, जैसे राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कौन सा देश जो है विकसित है, विकासशील है और अभी और भी विकास करना है। फिर है व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता, कई बार हम अपने कार्य के लिए जब हम PhD वगैरह करते हैं तो हम अनुसंधान करते हैं उससे संबंधित और फिर उसे प्रकाशित करते हैं। फिर कुछ अप्रकाशित स्रोत भी होते हैं जिसे कि प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, उसे गुप्त रखा जाता है, लेकिन समय समय पर वो हमारे अप्रकाशित मौजूद द्वितीयक समंक होते हैं वह भी हमारे बहुत ही काम आते हैं। फिर गृहकार्य, द्वितीयक आंकड़ों के मुख्य स्रोत क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े के स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए और प्राथमिक समंकों और संकलन करने की विविध विधियों का वर्णन कीजिए और अच्छी प्रश्नावली के गुणों की व्याख्या कीजिए।